हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम पांडे। वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हाइक। सो यार, आपको पता है हमारा चैनल आपको वही इन्फॉर्मेशन, वही न्यूज़ कन्वे करती है जो कहीं ना कहीं से हमें ऑथेंटिक लगती है। तो एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक बहुत बड़ी ऑथेंटिक न्यूज़ कह सकते हो आप, स्कूल रीओपनिंग को लेकर आ रही है, जो कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट फिक्स है कि ये चीज़ें होनी ही वाली हैं। ठीक है, अब देखो यार, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप वीडियो की थंबनेल देखकर ये समझकर वीडियो देख रहे हो कि आपको एग्जैक्ट डेट पता चल जाएगी, तो आप रॉन्ग हो। क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रही है किन चीजों की, अगले मंथ से क्या क्या चीजें होने वाली है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता है कि सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं। तो इसका असलियत, जो ओरिजिनलिटी है, वो क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है कि स्कूल खुल जाएंगे, और गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है इन चीजों को लेकर, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन सारी चीजों की बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहली बात हम ये कर लें यार, कि हमारी मिड ऑफ मार्च, दैट इज मार्च 2020 से हमारे स्कूल्स बंद चल रहे हैं, और ऑलमोस्ट अब 5 to 6 months हो गए हैं स्कूल को बंद हुए। नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया है हमारा। इस एकेडमिक सेशन के लिए हमारी जो एनसीईआरटी है वो गाइडलाइंस जारी कर चुकी है। 30% सिलेबस हमारे ऑलरेडी रिड्यूस कर चुके हैं। हमारी जो स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा रही हैं, और कई तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करा रही हैं। कोई स्कूल्स व्हाट्सएप पे पढ़ा रहे हैं, तो कई स्कूल्स हमारे जूम और गूगल मीट जैसे एप्लीकेशंस का यूज करके बच्चों को पढ़ाई, जो ऑनलाइन स्टडी है, वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। बट यार, ये उतना रिलेवेंट नहीं है जितना हमें क्लास में पढ़ने में मजा आता है, जितना हमें स्कूल जाने में मजा आता है। तो स्कूल रीओपनिंग की न्यूज कहीं ना कहीं एक होप देने वाली है हम टीचर, हम स्टूडेंट्स, हम पेरेंट्स के लिए। यार, एक रिपोर्ट है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि आज 22 अगस्त है, और आज 22 अगस्त के दिन 10 लाख टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 100% रिकवरी की रिपोर्टिंग की गई है। तो ये एक होप है हमारे लिए कि सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, और जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मल हो रही है, हमारी स्कूल खुलने की जो उम्मीदें हैं वो पूरी बरकरार हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। अब एक सबसे बड़ा जो चैलेंज इसमें फेस करना पड़ रहा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को स्कूल में, वो ये है कि यार, जो अदर कंट्रीज है जैसे यूएसए है, वहां पर स्कूल खोला जा चुका है, और वहां पर स्कूल खोलने की वजह से कई बच्चे, स्टाफ और पेरेंट्स कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट किए गए हैं एक्सपोज में आने की वजह से। अब कई लोगों का ये डाउट है, कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि क्या जो कंडीशंस हमारे अदर कंट्रीज में हुई है, यूएसए में हुई है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है, क्या वो चीजें हमारे इंडिया में भी होंगी? क्या अगर स्कूल खुलता है तो सचमुच बच्चे एक्सपोज में आके, क्या वो उन्हें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा? तो यार, एक चीज तो मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो टाइप ऑफ वायरस है हमारे कंट्री में और यूएसए में, वो बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख रहे हो यूएसए में जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज्यादा, थोड़ा हाई है। हमारे इंडिया में मॉर्टेलिटी रेट 0.1% है, मतलब बहुत ज्यादा कम है। तो हम किसी भी तरीके से ये लिंक नहीं कर सकते कि यूएसए में स्कूल खुला, ये सारी चीजें हुई, तो इंडिया में स्कूल खुलेगा तो ये सारी चीजें होंगी। अब एक जो सबसे मेन पॉइंट हमारा आता है कि सर, एक्चुअल में स्कूल खुलेगा कब, मैं इसके बारे में बता दूं यार, अब तक जो हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स है और जो भी हमारे करीबी हैं जिनसे इतना पता चल पाया है, वो ये है यार कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि नेक्स्ट मंथ, दैट मींस सितंबर के फर्स्ट वीक से या फर्स्ट ऑफ सितंबर से ही फेज्ड वाइज मैनर में 14th नवंबर तक स्कूल खोले जा सकते हैं। याद रखना, स्कूल खोले जा सकते हैं, खुलेंगे नहीं मैं कह रहा हूं, पॉसिबिलिटी है कि 1 सितंबर और 15 नवंबर के बीच में हमारे स्कूल फेज्ड वाइज मैनर में खोले जाएंगे, जिसमें एक-एक करके सारे क्लासेस के स्कूल्स रिज्यूम कर दिए जाएंगे। पहले क्लास 11th एंड 12th, फिर 9th एंड 10th, और फिर धीरे-धीरे जूनियर क्लासेस को भी रिज्यूम करने की बात कही गई है। बट अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, तभी 14th ऑफ नवंबर के बाद हमारी एचआरडी मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट हमें अलाउ करेगी कि हम स्कूल्स कंटिन्यू कर पाए। तो लेट्स होप कि ये जो फेज्ड वाइज मैनर में गवर्नमेंट स्कूल ओपन करने की प्लान कर रही है, ये सक्सेसफुल रहे, और हमारे स्कूल, हमारी जो नॉर्मल शेड्यूलिंग थी स्टडी की, वो फिर से कंटिन्यू हो सके। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा। तो यार, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि थोड़ी सी हम हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकें उन बच्चों में जो थोड़ी
थोड़ी सी ऑनलाइन क्लासेस लेने की वजह से डिप्रेस्ड हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हम अपना सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे, उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल हो सकती है। तो यार ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।